मैं भी वॉशरूम में थी और ये दोनों जो है ना, स्पेशली ये जो है ना, बाथरूम के बाहर मेरा वेट कर रही थी क्योंकि इनको खाना चाहिए। दे रही हूँ, रुको, दे रही हूँ, चलो हटो हटो यहाँ से, हटो। शाबाश। हाँ चलो, बिस्तर भी वैसे के वैसे ही मैं ज़रा बेड ठीक कर लूँ, नमाज पढ़ लूँ और फिर आप लोगों से जो है मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। फिर यूट्यूब माय चैनल, वेलकम टू नई दुनिया। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट मी नो कमेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एंड ऑन द वेलकम टू न्यू वीडियो पर नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। आज है मंडे और यूजुअली ऐसे ही होता है, जब मैं भी क्लासेस जाती थी तो मेरे लिए होता था मंडे, आई हेट मंडे, यू हैव टू गेट बैक टू द क्लासेस, यू हैव टू गेट बैक टू द रूटीन। और वो बहुत ही जो है ना, एटलीस्ट आई हैव यू नो टू गेट बैक टू द रूटीन ऑन मंडे इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यू नो एनी वेज, अब तो मैं घर पर ही होती हूँ, सो मंडे है, संडे है, सैटरडे है, एक ही बराबर है, क्योंकि मेरी तो अब वीक के लिए भी छुट्टी नहीं होती क्योंकि काम तो करना ही करना। पहले होता था ना कि आप क्लासेस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो वीकेंड को लगता था हाँ वीकेंड, यस नाउ आई कैन रिलैक्स, छुट्टी। लेकिन तब भी वीकेंड पे छुट्टी नहीं होती थी, तब भी वीकेंड पे बहुत सारे घर के काम करने होते थे। और अभी भी वीकेंड पे जो या काम पे जाता है या बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं बच्चे अब हमें रिलैक्स करना है वीकेंड पे, तो तब भी मुझे ही करना पड़ता था। आई मीन मेरे लिए तो हर दिन एक बराबर ही है एनी वेज, बट या ऐसा जो है ना, 12 बज रहे हैं और बच्चे जो है ऑब्वियसली स्कूल गए हुए हैं और आने वाले हैं, सारा 1 बजे तक आ जाएगी, फजर जो है 2 बजे तक आएगी। किचन का जो है थोड़ा काम होना है क्योंकि कल रात को जो है, एक्चुअली कुछ दिनों से जो है ना मैं रात को किचन का काम नहीं कर पा रही, और उसका रीजन यही है कि मेरे जो दर्द है गर्दन और कंधे की, तो वो मुझे रात में आजकल बहुत ज्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि सारा दिन जो काम करने होते हैं घर के तो वो तो बंदा कर लेता है, लेकिन फिर रात में जाके जो है ना मुझे काफी दर्द होती है, इसकी वजह से मैं रात को फिर जो है ना आजकल ज्यादा तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मेरे बर्तन रह जाते हैं, लेकिन फिर सुबह उठ के मैं डेफिनेटली जो है कर लेती हूँ। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं काम, यहाँ पे हो चुका है और अब बना रही हूँ मैं चाय। आहा, दिन की पहली चाय। गाइस कौन कौन है यहाँ पे जो कि चाय लवर है और मुझे चाय बनाते हुए देख रहा है, तो आ जाओ गाइस मेरे साथ चाय पियो, चाय एंजॉय करो। थैंकफुली आज मुझे खाना भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल मैंने बनाई थी बिरयानी, तो वही जो है ना बहुत सारी रखी हुई है, तो आज जो है ना खाने में, रात के खाने में बिरयानी ही खाई रहेगी। ये देखो कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया, आ गया, आ गया, मीना बबलू, मीना बुगलू, मेरी ड्रामे बास, मेरी तीखी मिर्ची, तुम खाओगे। Guys, I really have to talk to you guys about something, and that is कि लोगों के लिए कितना आसान होता है किसी की बीमारी के बारे में जाए, किसी की बीमारी को लेकर जाए मजाक उड़ाना। This is just not good. Like literally, अगर कोई जो है एज अ यूट्यूबर या जो भी यूट्यूब पे है, अगर अपनी किसी सिचुएशन के बारे में बता रहा है, कुछ शेयर कर रहा है, तो उसके दो रीजंस होते हैं। एक तो ये कि अगर हम किसी चीज से, किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हमें जो है दुआओं की जरूरत है, हमें दुआएं चाहिए आप लोगों की, क्योंकि दुआ पॉजिटिव सपोर्ट जो है ना, तबीयत उससे बहुत 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 ज्यादा जो है बेहतर आप फील करने लगते हो। और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, और अगर कोई दूसरा बंदा भी जो है उसी कंडीशन से, अगर सेम चीज से गुजर रहा है, तो उसको भी, जो दूसरा बंदा सेम कंडीशन से गुजर रहा है, तो उस बंदे को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, या फिर ये भी होता है कि उस बंदे को जो है नॉलेज जो है और मिल पाती है कि अच्छा, यानी कि अगर इसको ये सिचुएशन है तो इसने ऐसे 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 हैंडल किया, तो ऐसे ये सिम्टम्स थे, तो मुझे भी हो सकता है, मैं भी ट्राई करती हूँ, तो मुझे भी हो सकता है कि उस चीज़ से हेल्प मिले। तो ये बहुत सारी जो है फैक्ट्स होते हैं। तो अगर आप किसी की मेडिकल कंडीशन को लेके अगर दुआ नहीं दे सकते ना गाइस, तो प्लीज उसका मजाक एटलीस्ट मत उड़ा। मैंने जो है 2 दिन पहले जो है मेरे ख्याल से मैंने एक वीडियो डाला था, और मैंने तब भी कहा था कि नेगेटिविटी जो है ना फैलाना बंद करो। और अभी जो है ना मैंने सबा इब्राहिम की जब वीडियो देखा, तो दबे यू नो बहुत ही बुरा लगा कि जब यू नो कि आप लोग उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे। लिटरली गाइस आई एम टेलिंग यू, I can relate to her situation because I'm going through the same thing. मैंने आप लोगों को कितनी बार जो है अपनी वीडियो में कहा था, क्या वीडियो में कहा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, कि मेरे कुछ फिजिकल जो है हेल्थ इश्यूज
चल रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज भी मेरे साथ जो है काफी चल रहे हैं, और वो हार्मोनल इश्यूज जो है वो यही है कि आई एम डीलिंग विद हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स। और गैस आप लोगों को पता भी है कि उसका जो है उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं इनफर्टिलिटी, उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपकी जो है जिसम की जो हड्डियां है ना उसमें उनमें जो है दर्द होता है, आपके मसल्स में यानी कि जॉइंट्स में दर्द होता है, आपको जो है मेनोपॉज सिम्टम्स हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल एक्स्ट्रा हो जाते हो, और उसमें जो है क्या कहते हैं हेडेक्स और सरदर्द रहता है, चक्कर आते हैं, विजन ब्लर हो जाता है कभी कभी, बहुत सारी चीजें हैं गाइस, बहुत सारी चीजें हैं। मैं उस लड़की के साथ रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द सेम थिंग। मैंने अभी ये जो है ना ये बात नहीं बतानी थी, क्योंकि डे हर बार जो है ना इट्स बीन सिंस सितंबर लास्ट ईयर, सितंबर यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने हो गए, ये 7वां महीना चल रहा है। हर महीने ब्लड टेस्ट होते हैं, मैं ब्लड टेस्ट के लिए जो है जा रही हूँ कि देखने के लिए कि प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। कल भी मेरा एक टेस्ट है, वो एक MRI टेस्ट है जिसके लिए मैंने जो है जाना है, मैं उसके बारे में बात ही बात मैंने सोचा था कि वो एक MRI टेस्ट हो जाए, वो एक चीज भी हो जाए, तो मैं डिटेल में जो है बाद में इसके बारे में जो है बात करूंगी। डेफिनेटली मैं और भी बात करूंगी कि मैं क्यों MRI के लिए गई थी, जब उसका टेस्ट हो जाए, रिजल्ट आ जाए, मैं तभी बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, क्योंकि मुझे भी कुछ श्योरिटी चाहिए, कन्फर्मेशन हो जाएगी तभी मैं आप लोगों को भी जो है ठीक से बता पाऊंगी। लेकिन बाकी ये जो है ना कि लाइक कितने गंदे लोग हैं, कितने कैसे लोग किसी की बीमारी का मजाक उड़ा लेते हैं, हंस लेते हैं, मुझे लाइक लिटरली समझ नहीं आती। गैस जैसा करोगे ना वैसा ही भरोगे, कि एक दिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि एक दिन वो दिन आए कि तुम लोग जो है ना ये लोग जो बीमारियों का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं दूसरे लोगों को बीमारियों पे, तो अगर वो कभी बीमार हो तो उनके लिए दुआ करने वाला कोई ना हो। गैस ये याद रखना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर आज तुम हंस रहे हो ना किसी की बीमारी पे, तो कल को जो है ना लोग भी तुम्हारे पे हंसेंगे। मैंने अभी जो है इस सिचुएशन के बारे में, मेरे जो हार्मोन्स के इश्यूज या प्रोलैक्टिन इश्यूज जो है मुझे हो रहे हैं, मैंने अभी इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी थी, लिटरली नहीं करनी थी। मैंने कुछ दिनों पहले, हफ्ता एक पहले जो है मैंने देखा था कि सबर ने जो है शेयर किया था, मतलब ओह वाओ ओके शी इज डीलिंग विद द सेम। मैं जो हूँ मेरे MRI टेस्ट की डेट का वेट कर रही थी, और फिर जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते मैंने तब तक नहीं बताना था, लेकिन कल की वीडियो के बाद, कल जो वीडियो मैंने देखा ना, आई वाज लाइक कि नहीं यार, आई हैव टू एटलीस्ट टेल समथिंग सम वर्ड के, ताकि लोगों को एहसास हो कि वो लोग जो है ना किसी की बीमारी का मजाक उड़ा के जो है ना कितना गलत करते थे। वैसे तो ऐसे लोगों को एहसास होता ही नहीं है, जो लोग अगर किसी की बीमारी पर भी हंस सकते हैं ना, तो लोगों को एहसास होता नहीं है। बट ये वीडियो इसीलिए है, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर सबा, के टू लेट हर नो कि शी इज नॉट अलोन इन दिस। आई कैन टोटली फील हर पेन, आई कैन टोटली रिलेट टू हर, आई कैन टोटली रिलेट टू हर फिजिकल कंडीशन ऑल्सो। तो आई एम विद हर, हर फैंस आर विद हर, सो गर्ल मोर पावर टू यू। मुझसे जो कितने लोगों ने पूछा है कि सिर सारा ही क्यों है, वाई डोंट यू ट्राई फॉर अनदर चाइल्ड, या वाई डोंट यू हैव अनदर बेबी, व्हाट्स द रीजन, एंड यही रीजन है कि पिछले मिनी एटलीस्ट पिछले 1.5 साल से जो है एटलीस्ट ये हार्मोनल इश्यूज जो है मेरे साथ चल रहे हैं, और उससे पहले का मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन गाइस अगर मैं क्या ही कहूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है, किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है, और अगर वो आपके साथ शेयर कर रहा है, तो वो आपका सपोर्ट चाहता है, आपकी दुआएं चाहता है, आपकी नेगेटिविटी नहीं चाहता है। क्योंकि यार नेगेटिविटी लोग तो वैसे भी कितना जज करते हैं, और आप कितनी वीडियोज डालते हो, लोग कितना गलत कहते हैं, ऑलरेडी कहते हैं, और फिर बीमारी पे भी क्या एक दुश्मन भी जो है ना, अगर एक एथिकल दुश्मन जो होता है ना, अगर वो अपनी दुश्मनी निभाता है ना, तो वो कहते हैं ना कि अगर किसी को दुश्मनी निभानी है, और वो जो है इंसान अगर बीमार हो गया ना, तो वो उसकी जो है ना बीमारी को जो है उसकी बीमारी ठीक होने के लिए दुआ करता है, ताकि सामने वाला दुश्मन जो है थोड़ा हेल्दी हो रहा है, ताकि जो है ना कंपटीशन करने में मजा आएगा। ये है, इस तरह होता है कि यानी कि एक दुश्मन भी जो है दूसरे दुश्मन के लिए उसकी बीमारी में जो है उसकी हेल्प ही करता है, या उसके लिए दुआ ही करता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो किसी की बीमारी पर हंस सकते हैं, लाइक मुझे नहीं पता। गाइस ये देखो माशाल्लाह मेरी ड्रामेबाज कितनी प्यारी लग रही है हिजाब में, और देख रहे ड्रामेबाज के ड्रामे भी शुरू हो गए। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरी क्यूटी पाई ड्रामेबाज एक
देख कौन आ गया, आनी आनी आ गई, फजर फजर आ गई। आइए आइए, वेलकम वेलकम। एक एक करके सब आते जा रहे हैं। याया भी जाना, अभी भी काम से आया है। 2 बजे तक सारा आई है, 3 बजे तक फजर आई है, और ये 4 बजे तक जनाब ये भी आ गए। आजकल रोशनी जो है ना देर तक होना शुरू हो गया। भी देखें 6 बजने वाले हैं, रोशनी बाहर जाना अभी भी काफ़ी है। सो इट मीन्स समर इज ऑलमोस्ट हियर, एंड मैं खेल रही हूँ सारे के साथ यहाँ पे ऊनो। चारों को बस गर्म कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। एंड यू नो गाइस, नाइट रूटीन शुरू हो जाती है, सोने की तैयारी एंड दिस एंड दैट। तो इसी के साथ जो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोगों को मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने की दुनिया। स्टे स्टेप स्टिल दिस स्टेप पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव, एंड डू व्हाट यू वांट टू डू पॉजिटिव, बिकॉज स्टे प्लस पॉजिटिविटी टुगेदर। और गाइज मैं फिर से कह रही हूँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए जो है ना प्लीज़ 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 किसी को कुछ भी कहने से पहले या किसी का कुछ बुरा सोचने करने से पहले ये सोच लिया करो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है या होगा। इट डिपेंड्स के अगर आपने जो किया है, अगर सामने वाले को उतने वो बुरी तरीके से अगर हिट किया है, उसका दिल दुखा है ना, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। ये याद रखना गाइज। अल्लाह हाफिज़।